चलो अपन मीडिया ट्रायल का पार्ट 5 करके आगे की ओर बढ़ते हैं। मीडिया ट्रायल का 5 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और आगे का ऐसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज का पहला केस देखिए आप, सारा बनाम बेबी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि कानूनगो स्वतंत्र विचारण और स्वतंत्र प्रेस के मध्य एक संतुलन रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आइए शुरू करते हैं आज के पहला केस, सारा वर्सेज बेबी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड, केस का नाम आपको याद रखना है। पार्ट 5 में हम लास्ट पार्ट ऑफ मीडिया ट्रायल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड, क्या डिसाइडेड किया इन्होंने वो देखिए आप। डिसाइडेड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड किया, क्या डिसाइडेड किया वो देखना है हमें। इन सारा वर्सेस बेबी केस, केस का नाम है सारा वर्सेस बेबी, लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में। सारा वर्सेस बेबी क्या कहा है इन्होंने वो देखिए आप। दैट एक अच्छा कि ना तो जुडिशरी अपनी सीमाएं क्रॉस करेगी और ना ही प्रेस अपनी सीमाओं को क्रॉस करेगी। दैट कानून है या कोर्ट है, कानून को स्वतंत्र विचारण और स्वतंत्र प्रेस के मध्य एक संतुलन रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा, फिर आपकी मजबूरी आ गई, लॉ विल हैव टू संतुलन रखना। बैलेंस एज ए वर्ब काम कर रहा है यहाँ पर, बैलेंस संतुलन रखना भी होता है, संतुलन भी होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड इन सारा वर्सेस बेबी दैट, केस का नाम सारा वर्सेस बेबी, इसका दूसरा केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ विल हैव टू बैलेंस बिटवीन, एक अच्छा कानून कह लो, कोर्ट कह लीजिए उसे, बिटवीन स्वतंत्र विचारण फ्री ट्रायल एंड प्रेस। प्रेस हो गया, मीडिया हो गया, अखबार हो गया, चैनल्स हो गए, सारे के सारे इसमें कवर हो गए। और कोई मीडिया किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, सही बात है, चाहे वो पापराजी हो, बिग सेलेब की मीडिया हो, एनी मीडिया क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट इंटरफेयर इन किसी की भी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में, एनीवन्स पर्सनल लाइफ किसी की भी पर्सनल जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में, कोई भी मीडिया, कोई भी पापराजी, कोई भी आपकी प्रेस इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं जा सकते, लिमिट तक आप ले सकते हैं, उसके ज़्यादा एक्सेस भी नहीं जा सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते मीडिया। और मीडिया जो किसी केस के बारे में धारणा बना देती है, मीडिया मेक्स एन अजम्पशन, कोई भी धारणा, मीडिया जो धारणा बना देती है, मीडिया मेक्स एन अजम्पशन, कोई भी धारणा वो बना देती है, कोई भी धारणा वो क्रिएट कर देती है, अजम्पशन, मीडिया मेक्स एनी अजम्पशन, कोई भी धारणा वो जो बना देती है, एनी अजम्पशन कर देती है वो, तो क्या होता है उसका देखिए आप। अबाउट एनी केस, किसी भी केस के बारे में, मीडिया मेक्स एन अजम्पशन अबाउट एनी केस वो क्या करती है, विच लेसन्स वो काम करती है, विच लेसन्स वो कम करती है, क्या कम करती है वो देखिए आप। विच लेसन्स ट्रस्ट ऑफ पब्लिक अबाउट जुडिशरी, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ट्रस्ट ऑफ पब्लिक अबाउट जुडिशरी, न्यायपालिका के बारे में जो भी जनता का विश्वास होता है उसे मीडिया का ये अजम्पशन कम कर देता है, इम्पोर्टेंट कर लेना, कनेक्टिविटी बराबर लेनी है। मीडिया मेक्स एनी अजम्पशन, मीडिया कोई भी धारणा बनाती है अबाउट एनी केस, किसी भी केस के बारे में,
विच लहसा जो कम कर देती है ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, जनता का भरोसा अबाउट जुडिशरी। वो कहता है इस टैक्स को कन्विक्शन देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? वो तो अंदर का डिफेंस प्रोसिक्यूशन तय करेगा, एविडेंसेस चेक करेंगे, विटनेस तय करेंगे, मीडिया कौन होती है? मीडिया को तो अता पता ही नहीं है। और क्या कहती है, वह जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास कम करता है। विच लेसन्स ट्रस्ट ऑफ पब्लिक अबाउट जुडिशरी। आगे का देखिए, पेड न्यूज और फेक न्यूज जनता की आस्था में हेरा फेरी कर सकते हैं। पैसा देकर जो न्यूज दी गई और कोई न्यूज झूठी है, जैसे कोरोना में बहुत आया था, वो कौन सी जमात है वो कोरोना फैला रही है, बहुत जबरदस्त आ रहा था, इतनी जबरदस्त उसको हाइप कर रहे थे, पता नहीं क्यों। पेड न्यूज थी या फेक न्यूज थी हमें पता नहीं है। एंड फेक न्यूज, वो इतनी जमात में ये हो गया साहब, इतना कोरोना फैल गया, अब वो क्या थी पता नहीं। पेड न्यूज एंड फेक न्यूज क्या करती है, मैन्यूपुलेट्स, हेरा फेरी करती है, मैन्यूपुलेट हेरा फेरी कर देती है, मैन्यूपुलेट हेरा फेरी करती है फेक न्यूज और पेड न्यूज। कहाँ? बिलीफ ऑफ पब्लिक, जनता की आस्था में, जनता की जो भी आस्था होती है उसमें क्या करती है, ये हेरा फेरी कर देती है, बिलीफ ऑफ पब्लिक। आगे देखिए, इस कारण जनता का विश्वास कानून के प्रति डगमगाने लगता है। ओविंग टू दिस, इस कारण, ओविंग टू दिस, ओविंग टू दिस, इस कारण ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, ट्रस्ट या रिलायंस भी कर सकते हैं आप, रिलायंस का मतलब भी भरोसा आता है, रिलायंस ऑफ पब्लिक, ट्रस्ट या रिलायंस ऑफ पब्लिक डगमगाता है, डगमगाने लगता है। डगमगाने के लिए अच्छा वर्ड है डॉडर, अच्छा वर्ड है, काफी जगह यूज हो सकता है डॉडर्स, ट्रस्ट ऑफ पब्लिक डॉडर्स, किसके? कानून के संबंध में, रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग लॉ। आज का पहला पैरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड इन सारा वर्सेस बेबी, सारा वर्सेस बेबी, दैट लॉ विल हैव टू बैलेंस बिटवीन फ्री ट्रायल एंड प्रेस, एक स्वतंत्र विचारण और प्रेस में संतुलन कायम करना पड़ेगा। एनी मीडिया कैन नॉट इंटरफेयर इन एनी वंस पर्सनल लाइफ, वो दखल नहीं दे सकती है। मीडिया मेक्स एन अजम्पशन अबाउट एनी केस, विच लेसन जो कम करता है ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, जनता का भरोसा अबाउट जुडिशरी, न्यायपालिका के बारे में। पेड न्यूज एंड फेक न्यूज मैनिपुलेट, पेड न्यूज और फेक न्यूज हेराफेरी करती है। बिलीफ ऑफ पब्लिक, जनता के भरोसे को उसे लगता है कभी अच्छी है, उसे लगता है कभी बुरी है, कह नहीं सकते, मैनिपुलेशन कर देती है, मैनिपुलेट कर देती है। Owing to this, इसके कारण ट्रस्ट एंड रिलायंस ऑफ पब्लिक डॉडर्स, डॉडर्स रिगार्डिंग लो, लो के बारे में उसका भरोसा डगमगाता है। आज की वॉक है डॉडर डगमगाना, मैन्यूपुलेट हेरा फेरी करना, डॉडर डगमगाना, इंटरफेयर दखल अंदाजी करना, INTERFERE, थोड़ी सी स्पेलिंग को देख लेना, कभी कभी उपचुक हो जाती है लिखने में, अजम्पशन उसकी धारणा, ASSUMPTION, अजम्पशन धारणा, यानी उसका जो भी कंसेप्ट बना है वो रिलायंस ट्रस्ट को भी कहते हैं, ट्रस्ट रिलायंस को भी कहते हैं। केस काज का नाम है सारा वर्सेस बेबी। नेक्स्ट पर आइए, आईएस पूरा बस फेक न्यूज हो गई ना, जैसे वो था वो कौन सी जमात, वो कौन सी जमात थी, तबलीगी, तबलीगी जमात कोरोना फैला रही है, कितना जबरदस्त किया था, कैसे फैलाएंगे, 10,000 आदमी थी कोरोना फैलाएंगे तो फिर क्या हाल होगा, एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन चल रहा था उस वक्त, बहुत कुछ चल रहा था, एरिया पूरा कवर हो गया, रामगंज में इतने हो गए, जो भी था एक्स वाई जेड, वो फेक थी या पेड थी या ऑथेंटिक थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो था, ये बात तो तय है। आगे, यस बिल्कुल बिल्कुल, ये कंटेंट लोग घूमेंगे, बता रहा हूँ ना, जैसा अपना नेक्स्ट अपने नए लॉज पर, नए लॉज पर भी इसका कनेक्शन रहेगा, नए लॉज का इंटरफेरेंस या रिफॉर्म ऑफ जुडिशरी रिगार्डिंग टू द न्यू लॉज, उसमें ये कंटेंट आपस में कनेक्टेड कनेक्टेड है, बस आपको गेम खेलना जा रहा है, बढ़िया सा कनेक्शन। अब नेक्स्ट ऐसे में देखना, आपको बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ही कम, अब आप घूमोगे बहुत तेजी से, और 11 ऐसे होते होते तो आप हैबिचुअल हो जाओगे। अभी 5 में बहुत अच्छी मेहनत की, अगले 5 में थोड़ी इससे आधी मेहनत करनी पड़ेगी, और 11 ऐसे स्टार्ट होते ही फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आ जाओ भैया क्या, फिर सिर्फ कंटेंट को बुलाना बहुत ही आर्ट है। आइए, कई बार मीडिया लोगों में नफरत, कड़वाहट और आपसी वैमनस्य पैदा कर देता है। जैसे कई बार देखा करो, FB पर आता है गाय काटते हुए,
गाय को हर्ट करते हुए, कुत्ते के पिल्ले को जलाते हुए आग पर, कई ऐसे हैं। अब वो ऑथेंटिक है कि फेक है क्या पता, यदि वो वहां पर ऑथेंटिसिटी गाय को काटते रिपोर्ट क्यों नहीं कर देता अगला आदमी, लेकिन वो अपने दिलों में तो वैमनस्य हो गया ना कि यार हमारी गाय जिसे हम माता मानते हैं, माँ मानते हैं, इसको इस तरीके से मिसबिहेव करे तो हमारे दिल में वैमनस्य होता नहीं किसी एक्स वाई जेड कम्युनिटी के प्रति, हो सकता है क्योंकि नेचुरल है, उस पर लगाम कसना जरूरी है। तो देखिए कई बार मीडिया लोगों में नफरत, कड़वाहट और आपसी वैमनस्य, तीनों को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि तीनों एक ही जाति के वर्ड हैं, एक ही जगह काम आएंगे। नफरत होगी तो कड़वाहट, कड़वाहट होगी तो आपसी वैमनस्य। देखो मीडिया पैदा करती है, मीडिया एंड जेंडर्स पैदा कर देती है, उत्पन्न कर देती है। क्या क्या पैदा करती है? हेट, बड़े आराम से नफरत, पहले नफरत पैदा करती है, फिर कड़वाहट बिटरनेस, फिर कड़वाहट पैदा करती है, फिर आपसी वैमनस्य। हिंदी में भी लगभग एक ही मीन है, सिर्फ बोलने का फर्क है, म्यूचुअल मैलिस। एक बार तीनों वर्ड्स को तैयार कर लीजिए, म्यूचुअल मैलिस, आपसी प्रेम, ये तीनों वर्ड का यूज होगा तो एक साथ होगा। हेट होगी वहां पर बिटरनेस होगा, बिटरनेस होगी वहां पर मैलिस होगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। एंजेंडर उत्पन्न करना, हेट बिटरनेस एंड म्यूचुअल मैलिस, नफरत कड़वाहट और आपसी द्वेष, आपसी वैमनस्य, प्योर हिंदी में बोलो तो। इसी संदर्भ में जो सामाजिक नुकसान का प्रतीक है, वो सामाजिक नुकसान का प्रतीक है, विच वॉच सिंबल ऑफ है, विच इज, रिलीक कर दो, रिलीक या सिंबल भी कर सकते हो, सिंबल ऑफ सोशल लॉस, यानी सामाजिकता है वो आपका नुकसान में रहेगी। यदि किसी भी समाज में किसी भी एमबी या क्लिप के कारण हेट बिटरनेस और म्यूचुअल मैलिस पैदा होती है तो वहां पर सामाजिक नुकसान यानी सोशल लॉस तो 100% होगा। कब? जब इस मीडिया के कारण कोई फेक न्यूज या पेड न्यूज, उस समय भी हुआ था जब वो कोरोना का फैल रहा था, तो नेचुरल भाई लोग जानबूझ के कर रहे हैं क्या, कहीं देखा करो फड़ों पर स्पिट को लगाते हुए दिखा रहे थे कि ये देखो जानबूझ कर कोरोना फैला रहे हैं, ऐसा होता है क्या? वो करेगा तो अपने घर पे ही कर लेगा, ऐसे वीडियो थोड़ी करवाएगा, उसे कोरोना फैला दिखा रहे थे ना कि साहब बनाना पर उस पर स्पिट कर रहे हैं, तो देखो ये कोरोना फैला रहे हैं, देखो ये जानबूझ के कर रहे हैं, वो क्या थी? फेक ही तो थी। करना को तो घर से ही कर लाएगा ना, फलों का ठेला आराम से कर लाएगा, और वो फल भी बेच रहा है, जिसके कोरोना है वो फल भी बेच रहा है, मतलब कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है, वो फ्रूट कैसे बेचेगा जो कोरोना पीड़ित है, और आप ऐसा कह रहे हो ऐसा कह रहे हैं, तो वो क्या थी? वो फेक थी या पेड़ थी या कोर का रीजन था। आगे चलिए, आगे केस का नाम बहुत अच्छा लैंडमार्क डिसीजन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, एक अच्छा है, रोमन थापर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव के पत्थर पर प्रेस की आजादी आधारित होती है, या कुल मिला के आप कह सकते हो प्रेस की आजादी सभी प्रजातांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। पहले केस का नाम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड, केस का नाम बहुत जरूरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर दो, ऑनरेबल लगा दें, तो काफी लगा चुके हैं हम। सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड इन, केस का नाम आपको याद रखना है रोमन थापर, ये हर जगह काम आ जाएगा, इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, इंटरव्यू का भी पार्ट तैयार हो रहा है आपके, रोमन थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड इन रोमन थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आज का केस नंबर दो, लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। क्या कहता है ये कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता निर्भर होनी चाहिए, कॉर्नर स्टोन होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता मस्ट बी उसे होना चाहिए कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर, कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर होना चाहिए, स्वतंत्र प्रेस को नींव का पत्थर होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ प्रेस मस्ट बी कॉर्नर स्टोन,
स्वतंत्र प्रेस को नींव का पत्थर होना चाहिए, मस्ट बी के बाद कॉर्नर स्टोन, वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी भी गुजरे तो इससे गुजरे, या सरकार भी गुजरे तो इससे गुजरे, ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि फ्री लिबरल प्रेस सभी प्रजातांत्रिक संगठनों के लिए जरूरी है, आपके कॉर्नर स्टोन है। लिबर्टी ऑफ प्रेस मस्ट बी कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड इन रोमन थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या लिबर्टी ऑफ प्रेस मस्ट बी कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हमारा एक पैरा और, दो पैरा। हालांकि स्वतंत्र मीडिया एक सशक्त और भयमुक्त समाज का निर्माण करती है, अंडरलाइन कर लेना, सशक्त मीडिया, स्वतंत्र मीडिया एक सशक्त और भयमुक्त समाज का निर्माण करती है। हिंदी में भी इसे अंडरलाइन कर लेना तो इंग्लिश में भी अंडरलाइन कर लेना, और ये लाइन आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ऑल्दो फ्री मीडिया एक स्वतंत्र मीडिया क्या करती है, निर्माण करती है, कार्स सृजन करती है, कार्य करती है। ऑल्दो फ्री मीडिया कार्स किसका, एक सशक्त और भयमुक्त समाज का, सशक्त ए वाइगोरस, वाइगोरस एंड भयमुक्त निर्भीक समाज का, फियरलेस सोसाइटी। एक मीडिया ही है जो जनता को जान देती है, अदरवाइज पॉलिटिशियन इतना नहीं कर पाते जितना मीडिया करती है। मीडिया ही एक ऐसा कड़ी है, ऐसा जरिया है जो जनता में एक जान फूंक देती है, उसे कहती है हम तुम्हारे साथ। और मीडिया आते, कोई भी इंसान कैसा भी हो उसमें हिम्मत आ जाती है कि सारी जो कहानी है जनता के सामने सुनाएगी, पूरा भारत मेरे साथ है, पूरा मेरा देश मेरे साथ है। वो कौन करता है, वो फ्री मीडिया। जैसे रजत शर्मा में आपकी अदालत, वो पर्सन फियरलेस होकर, बेबाक होकर, बेधड़क होकर, आपका बेखौफ होकर क्वेश्चन पुटअप करता है, इसलिए आपकी अदालत रजत शर्मा आज भी नंबर 1 पर है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ऑल्दो फ्री मीडिया कार्व, हालांकि फ्री मीडिया कार्व करता है, बनाता है, सृजन करता है, वाइगोरस एंड फियरलेस सोसाइटी, दोनों को साथ ही रख देना जब भी रखो, क्योंकि जो फियरलेस होगा वो वाइगरस होगा, वाइगरस होगा वो फियरलेस होगा। ये स्पीड बढ़ती है इससे लिखने की, कितनी स्पीडली हम ऐसे को लिख पाते हैं इन वर्ड्स को यूज करने से, और जरूरी भी है, फालतू कर नहीं रहे। और फिर कहता है ये स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की धड़कन है, बहुत प्यारा शब्द, जिस पर प्रेशर ना हो। प्रेशर है कि साहब फोन आ गया किसी का, फिर तो मीडिया ही क्या रहा, अनप्रेशर्ड मीडिया इज, बहुत अच्छा वर्ड, हार्ट की धड़कन के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, इज हार्ट थ्रोप। हार्ट थ्रोप का मतलब होता है दिल की धड़कन। यदि ये धड़कन कमजोर पड़ गई, ये धड़कन यदि वेंटिलेटर पर आ गई, तो डेमोक्रेसी तो ध्वस्त होगी। कितना प्यारा कंपेरिजन दिया अपने, हार्ट थ्रोप का मतलब है दिल की धड़कन। हार्ट थ्रोप खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। हार्ट थ्रोप वेंटिलेटर पर, डेमोक्रेसी वेंटिलेटर पर। हार्ट थ्रोप वीक, पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी सब खत्म। तो देखो कितना अच्छा कंपेरिजन हो रहा है, मीडिया इज हार्ट थ्रोप, ये हार्ट की धड़कन है किसके लिए, ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए, ऑफ डेमोक्रेसी। कंटेंट आते जाए, घुमाते जाओ, आगे कैसे बहुत ईजी, हम आपकी अब दिक्कत नहीं आएगी। बट भारतीय प्रेस को भारतीय अनुच्छेद 19(2) और टेलीविजन एक्ट का तहे दिल से सम्मान करना चाहिए, यानी उसकी मर्यादा बता रहे हैं अपन। भारतीय प्रेस को इंडियन मीडिया मस्ट, आप उसकी मर्यादा बता रहे हैं, द इंडियन मीडिया मस्ट को बुला लो, मस्ट पालन करने का वर्ड बुलाओ, कॉम्प्लाई विथ, पालन करने का, कॉम्प्लाई विथ किस किस का पालन करवा रहे हो, आर्टिकल 19(2) एंड टेलीविजन एक्ट। आर्टिकल दो चीजों का पालन करवा रहे हैं, आर्टिकल 19(2) एंड टेलीविजन एक्ट, टेलीविजन एक्ट, इन दो का फॉलो करवा रहे हैं। देखिए अपने मीडिया को हार्ट थ्रोप कहा,
उससे कॉम्प्लाई विद करवाया दो चीजों का, केस लेकर आए रोमन थापर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पर कहा कि भैया ये कॉर्नर स्टोन है, इसको तो आप इग्नोर नहीं करोगे, वो सभी का है, सभी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का ये कॉर्नर स्टोन है, ये डेमोक्रेसी की हार्ड थ्रोब है, मगर इसको फॉलो करना पड़ेगा, कॉम्प्लाई विथ करना पड़ेगा इन चीजों का, इससे बाहर जाकर काम नहीं करेगी ये। हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, ये रेस्ट्रिक्शन का काम हो गया। फिर तहे दिल से फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट बढ़ा दो आगे, भूल जाओ तो चलेगा, नहीं भूलो तो कोई बात नहीं, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। मतलब एक टेक्निक बता देता हूँ, वहाँ पेन नहीं रुकना चाहिए आपका, बस दिस इज द बेस्ट टेक्निक, पेन रुकना ही नहीं चाहिए, पेन फ्लो में चलेगा। तीन ऐसे कंप्लीट करना प्राइम टारगेट है आपका, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, ऐसे नहीं उसे फालतू की चीजें भर दी, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। और सरकार और लोगों के मध्य मीडिया एक कड़ी का काम करता है, सही बात है, मीडिया वर्क्स एज चेन, एक कड़ी का काम करता है, मीडिया वर्क्स काम करता है, वर्क्स एज ए चेन, एक कड़ी का, एक कड़ी का काम करता है, किस किस के बीच में, बिटवीन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल या पब्लिक, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, यही तो कड़ी है, ये कड़ी खत्म, दोनों के बीच कौन इंफॉर्मेशन देगा। और इसलिए मीडिया अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका को सावधानी से निभाना चाहिए। सो मीडिया मस्ट, फिर मस्ट पे ले आए, सो मीडिया मस्ट परफॉर्म, मीडिया मस्ट परफॉर्म, मीडिया को निभाना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए मीडिया को, मीडिया परफॉर्म, क्या परफॉर्म, इट्स रोल, अपनी भूमिका, इट्स रोल, अपनी भूमिका, केयरफुली लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई मना करने वाला नहीं है, जो भी वर्ड पहले याद आ जाए, केयरफुली जिंजरली लिखो तो भी चल जाएगा, जिंजर अदरक होती है, उसमें कुछ नहीं लगाना, एलवाई लगाना है, और बहुत ही अच्छे वे में लिखना चाहो तो लिख देना विथ कॉशन एंड कैलकुलेशन, यानी अति सावधानी, जिसको कहते हैं आप फूंक फूंक के कदम रखना, कॉशन एंड कैलकुलेशन, इसको कहते हैं फूंक फूंक के कदम रखना, इसको यूज करोगे तो विथ लगाना पड़ेगा, इन दोनों से पहले विथ नहीं आएगा। तो आइए सेकंड लास्ट पैराग्राफ का समापन करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड इन रोमन थापर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लिबर्टी ऑफ प्रेस मस्ट बी कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता नींव का पत्थर होनी चाहिए सभी प्रजातांत्रिक संगठनों का। ऑल्दो, हालांकि फ्री मीडिया काउस निर्माण करती है ए वाइगोरस एंड फियरलेस सोसाइटी, ए वाइगोरस एंड फियरलेस नेशन, कुछ भी, अनप्रेशर्ड मीडिया इज हार्ट थ्रॉब, दिल की धड़कन होती है, डेमोक्रेसी के दिल की धड़कन होती है। द इंडियन मीडिया मस्ट कॉम्प्लाई विथ आर्टिकल 92 एंड टेलीविजन एक्ट, रेस्ट्रिक्शन हमारा फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, तहे दिल से, ऐसा नहीं कि साहब डर लगेगा, वास्तव में फॉलो करना चाहिए। मीडिया वर्क्स एज ए चेन, एक कड़ी का काम करती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, सरकार और प्रशासन और पब्लिक के बीच में, सो मीडिया मस्ट परफॉर्म, निभानी चाहिए इट्स रोल, अपनी भूमिका, केयरफुली सावधानी से, जिंजरली सावधानी से, और अति सावधानी से, जिसे फूक फूक के कदम रखना, विद कॉशन एंड कैलकुलेशन, या 2% भी एक्ट और ये आर्टिकल वॉयलेट नहीं होना चाहिए। और आइए आखिरी पैरा के साथ हमने इसे विदा किया, ये था आपका मीडिया ट्रायल और इसके कंटेंट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप इसे राजनीति के अपराधीकरण में घुमा सकते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट, उसमें भी मैं ऐसे लूंगा क्योंकि लग रहा है कि वो भी संभावना है, प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट भी मेरे दिमाग में है, वहां घुमा सकते हैं, लीगल का कोई भी ऐसे हो, जुडिशियल एक्टिविज्म में घुमा सकते हैं, लीगल का कोई भी ऐसे किसी भी प्रकार से घूमे, हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आज मीडिया ट्रायल को विदा करते हैं, और ऐसे नंबर 5 हमारा बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होता है, जैसे जैसे ऐसे कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आप सफलता के पास जाते जाओगे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लोगों ने बिना लिखे नंबर ले लिए, ऐसे भी ऐसे देखे मैंने, तो आप लिखोगे तो नजर आती है वो चीज। चलें नेक्स्ट की तरफ, ऐसे नंबर 6, ऐसे नंबर 6 भी बहुत शानदार आने की 99% संभावना, 100% तो मैं भी नहीं कह सकता,
रिफॉर्म ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका में सुधार, अंडर द शेडो ऑफ, वो कैसे भी पूछ सकता है, फर्स्ट ग्लांस, अंडर द शेडो ऑफ, ये लिख देते हैं ताकि दो ऐसे एक साथ हमारे रोटेट हो जाएं, अंडर शेडो ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, कैसे भी घूमेगा, जरूरी टाइटल ये ही आए, वो टाइटल को कैसे भी घुमा सकता है, घबराना नहीं है वहां पर, रिफॉर्म ऑफ जुडिशरी अंडर शेडो ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्यायपालिका में या न्यायपालिका में सुधार, नए आपराधिक कानून की परछाई में, वही है। अब आपका देखो, ऐसे आप घुमाओगे, मैं कुछ नहीं घुमाऊंगा, आप ही ऐसे को घुमाओगे, अब अपना काम खत्म, अपना रोल खत्म। कब शुरू होता है आपका? देखो, आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य समाज में न्याय और गरिमा को और आदर को बचाना है। गरिमा ग्लोरी, आदर ऑनर, मजबूत न्याय प्रणाली रॉबस्ट, अभेद इम्पेनिट्रेबल, समाज के लिए रक्षक का काम करता है। दोषियों पर मुकदमा चलाना और दंडित करना मजबूत न्याय प्रणाली के नींव का पत्थर होता है। पारदर्शी न्याय प्रणाली और सशक्त कानूनों का अटूट बंधन होता है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जितनी भी वोकैब है या इस पैराग्राफ में दिमाग में रोटेशन पर लाओ। अब अपन गेम अलग टाइप का खेलेंगे आज से, ऐसे नंबर 6 से। पुरानी वोकैब में क्या क्या आ रही है हमें, पहले वोकैब को दिमाग में रोटेट कर लो, नई वोकैब को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर अपन जंबल करेंगे। एक बात, पुरानी वोकैब में मतलब वहां पर आप जब कंटेंट बनाओगे तो साथ साथ ये करना कि क्या क्या रोटेट हो गया, वही वोकैब है, सिर्फ गेम मैंने अलग टाइप से खेला है। देखो आप, मैं ऐसे लाता हूं, गरिमा ग्लोरी आदर ऑनर, मजबूत न्याय प्रणाली रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम, अभेद कानून इम्पेनिट्रेबल लो, रक्षक बुलवर्क, मुकदमा चलाना प्रोसिक्यूट, दंडित करना पनिश, मजबूत न्याय प्रणाली आपका फिर आ गया, जिसे कहते हैं आप रोबस्ट कर लो, आप कुछ भी कर लो, वाइगोरस कर लो, बार बार कर रहे हैं, सशक्त कानून वाइगोरस लो, पारदर्शी न्याय प्रणाली ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम, अटूट बंधन हैंड विद ग्लव रिलेशन, हैंड विद ग्लव रिलेशन। हो गई वो कैब तैयार, अब आ जाओ प्रेजेंट, ये गेम आपको वहां खेलना है। कंटेंट तैयार करते करते साथ में पैरेलल वोकैब को कॉल कर लेना और फिर जम लें, टाइम ज्यादा मत लेना वहां पर। देखो, आ जाइए आप। आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य समाज में न्याय की गरिमा और आदर को बचाना है। आइए, द मेन पर्पज, आराम से अब आप लिखेंगे, अब ट्रेनिंग शुरू होती है अलग टाइप की। द मेन पर्पज, जो प्रमुख उद्देश्य है, मेन पर्पज ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस, क्रिमिनल जुडिशियल जुडिशियल प्रोसेस। देखो सत्यवीर, आराम से समझना, अपनी वो ट्रेनिंग होती है सिर्फ बेस के लिए, अब ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिस के लिए। 6 से 10 तक अलग वे में चलेंगे और 11 से फिर हम आगे अलग वे में चलेंगे। देखो आराम से समझो, किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य, तो यही वाक्य शुरू होगा ना, अब सेंटेंस को पकड़ना है आपको। द मेन पर्पज ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस, किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात, क्या है, बचाना है। इस तो आएगा, ये आगा, इस टू का मतलब बचाना है, इज टू आ गया, क्या क्या उद्देश्य, बड़े आराम से पकड़ो उसको, आपका गरिमा और आदर को बचाना है, तो पहले तो बचाना आएगा ना, प्रोटेक्ट, आराम से प्रोटेक्ट, तब समझ में आ रहा है बिल्कुल। द मेन पर्पज ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस इस टू ना का सेंस लेकर आएगा, क्योंकि टू के बिना ना का सेंस ही नहीं आएगा। इसलिए बचाना है खाना, जैसे आप बोलो सर मुझे खाना खाना है, तो आई एम टू ईट फूड, मुझे हॉस्टल जाना है, आई एम टू गो हॉस्टल, इज टू प्रोटेक्ट, ठीक है, क्या क्या बचा रहे हो, ग्लोरी एंड ऑनर, बस खत्म कहानी। अब हम अलग वे में जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का पार्ट सेकंड शुरू होता है, फिर आएगा थर्ड पार्ट, मोर भी विध्वंसक आएगा, बस वो कैसे भी, उस समय क्या आपका माइंड कर रहा, द प्राइमरी एम ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस, द मोटिव ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस, कुछ भी उस समय मतलब क्या आपका रहेगा, लेकिन लगभग लगभग इसके आसपास,
द मेन पर्पज ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस इज टू प्रोटेक्ट, बचाना है ग्लोरी एंड ऑनर आपके न्याय की, आपके ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ जो भी ग्लोरी और यश और कीर्ति को बचाना है, ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ जस्टिस, ये सब कुछ मेरा उद्देश्य है। मैं तो जंगली कानून ही लागू कर दो ना, कौन मना करता है, बारबरी क्लोन कानून कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कोई इंसान यदि कोर्ट में जाता है तो गरिमा के साथ आएगी, वास्तव में मेरे साथ न्याय हुआ है, चाहे उसके अगेंस्ट में क्यों ना हुआ हो। फिर क्या कहता है, देखो, मजबूत न्याय प्रणाली और अभेद कानून समाज में रक्षक का काम करता है। सबसे पहले किसको उठाओगे, मजबूत को, आराम से उठाना किसको है, देखो आप इस ट्रेनिंग में माहिर हो जाइए आप, रोबस्ट क्या उठाओगे, सबसे पहले रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम, खुद सेंटेंस बनाओ आप, क्योंकि अपने बहुत मोर देन सफिशियंट टाइम है, ये टाइम आग लगाने के लिए बहुत अच्छा है। रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम, मजबूत न्याय प्रणाली, और भाई क्या कह रहा है, और अभेद कानून, अभेद कानून जिनको भेदा ना जा सके, एंड इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल लॉज, दोनों को जोड़ दो आपस में, रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम, मजबूत न्यायिक प्रणाली एंड इम्पेनिट्रेबल लॉज क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क, इवन आएगा क्योंकि बहुवचन है, एज किसकी तरह, वर्क एज किसकी तरह, बुलवर्क रक्षक की तरह, रक्षक बार बार आ रहा है, प्रहरी बार बार आ रहा है, बुलवर्क फॉर सोसाइटी, समाज के लिए कुछ नहीं करना है, वो कहे वैसे वैसे करे जाओ, देखो नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। और बाजार में आज भी इंग्लिश के ऐसे की हालत बहुत खराब है, आज की डेट में भी, द मेन पर्पज ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस इज टू प्रोटेक्ट, बचाना है किसको बचाना है, ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ जस्टिस, न्याय के आपके ग्लोरी और ऑनर को, रॉबस्ट जुडिशियल सिस्टम एंड इम्पेनिट्रेबल लॉज, इम्पेनिट्रेबल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, अभेद हर जगह यूज होगा, लॉज वर्क हैज बुलवर्क फॉर सोसाइटी। आगे की कहानी सुनो, दोषियों पर मुकदमा चलाना और दंडित करना मजबूत न्याय प्रणाली के नींव का पत्थर होता है, दो ही तो काम है, प्रोसिक्यूट करना और पनिश करना, दो ही चीज है, प्रोसिक्यूट करना और पनिश करना, बाकी में टेंस नहीं है। टू से सेंटेंस को उठाओ, टू प्रोसिक्यूट, बड़े आराम से प्रोसिक्यूट हमारा अभियोजन हो गया, प्रोसिक्यूट, टू प्रोसिक्यूट अभियोजन चलाना, केस चलाना, अभियोजन करना, टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश, दो ही तो काम है न्यायपालिका के, तीसरा तो कोई काम ही नहीं है ना, पहले ढंग से प्रोसिक्यूट करो फिर ढंग से पनिश करो, बस दो ही चीज है, टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश। क्या कह रहा है, अभियोजन चलाना और पनिश करना, किसको, द क्रिमिनल्स अपराधियों को, जोड़े जाओ, बस मौके का खेल है और कंटेंट का खेल है, लोगों के पास कंटेंट ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। क्रिमिनल्स क्या है, सुनो, टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश द क्रिमिनल्स, अपराधियों पर अभियोजन चलाना और पनिश करना क्या है वो देखिए आप, आर कॉर्नर स्टोन ऑफ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम, आर क्योंकि दो है उधर, आर नींव के पत्थर होते हैं, कॉर्नर स्टोन नींव का पत्थर, इतनी बार वर्ड्स घुमा दूंगा कि मैं आपको ऑटोमेटिक वहां से भी याद आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस पर, टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश द क्रिमिनल्स आर कॉर्नर स्टोन किसका, ऑफ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम, ऑफ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम, सीधी सी बात है, कंटेंट वही है, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया, इसे तीन ऐसे में कंटेंट आप वही यूज करेंगे लेकिन बदल बदल कर उसकी वो भाव बदल देंगे बस। टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश द क्रिमिनल्स आर कॉर्नर स्टोन ऑफ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम, प्रोसिक्यूट करना और पनिश करना एक मजबूत न्याय प्रणाली के क्या होते हैं, नींव का पत्थर होते हैं। आगे देखिए, पारदर्शी न्याय प्रणाली और सशक्त कानून का अटूट बंधन होता है, सही बात है, पारदर्शी न्याय प्रणाली कब बनेगी, जब कानून आपके जो है मजबूत होंगे, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम, लिखने से ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना ग्रामर मिस्टेक होगी और आपके कंटेंट ऑटोमेटिक कॉपी पर आ जाएंगे, जुडिशियल सिस्टम, पारदर्शी न्याय प्रणाली, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम,
एंड दूसरा क्या लिया, मजबूत कानून, वाइगोरस लॉज, सेलुबीनियस लॉज, वाइगोरस लॉज क्या है, मजबूत कानून और न्यायिक प्रणाली क्या है, हैव हैंड विथ ग्लव रिलेशन, बहुत गहरा संबंध है। ये कुछ वर्ण है, ये राजनीतिक अपराधिकरण में भी चले जाएगा, एस इट इज नहीं ऐसे राजनीतिक अपराधिकरण में जाएगा, सेम वे में थोड़ा सा कंटेंट चेंज होगा बस, डेटास हैंड विथ ग्लव रिलेशन, कंटेंट घुमाना आ गया ना आपको हिंदी इंग्लिश में, आपके दो पेपर बहुत इजी है, बहुत इजी, बस कंटेंट का गेम और कुछ नहीं है। तो आपने कहा था मेन पर्पज ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस इज टू प्रोटेक्ट ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ जस्टिस, पहला, रॉबस्ट जुडिशियल सिस्टम एंड इम्पेनिट्रेबल लॉज वर्क, काम करते हैं एज बुलवर्क ऑफ सोसाइटी, टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश, अभियोजन करना और दंडित करना द क्रिमिनल्स, अपराधियों को, आर कॉर्नर स्टोन ऑफ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम, मजबूत न्याय प्रणाली का नींव का पत्थर होता है, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम, पारदर्शी जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली एंड वाइगोरस लॉज, मजबूत कानून, हैव हैंड विथ ग्लव रिलेशन, हैंड विथ ग्लव रिलेशन बहुत अटूट बंधन होता है, दो फ्रेजेस, कॉर्नर स्टोन आ गया, हैंड विथ ग्लव रिलेशन आ गया, इम्पेनिट्रेबल आ गया, प्रोटेक्ट आ गया, ग्लोरी आ गया, ऑनर आ गया, लास्ट में 300-400 वोकैब जो ऐसे में घूमेंगे, हम रिपीट करेंगे, लास्ट में जब हमारे पास लगभग आसपास होंगे तो हम 300-400 वोकैब जो लगभग ऐसे में घूमती है उसको अच्छे वे में और रिपीट कर लेंगे, ताकि आप जाते छाप दो वहां पर कि हमको ज्यादा सोचना नहीं है। सत्यवीर क्लियर हो रहा है ना, धीरे धीरे होगा क्लियर, लेकिन हो जाएगा, अपना काम बैठ जाएगा। आगे देखिए, कानून भरते अपराधों के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है, सब जानते हैं, लॉज आर कर देना, लॉ कर दो इस कर देना, कानून, लॉज आर द बिगेस्ट ऑब्स्टकल, बिगेस्ट जरूर लगाना क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, बिगेस्ट ऑब्स्टकल या फ्रेज को बुला लो, लॉ एंड इन द पाथ रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है, अड़चन होती है, कानून नहीं होगा तो कोई भी मर्डर कर देगा, बैंक लूट लेगा, इसके लिए बढ़ते अपराधों के लिए बड़े आराम से फॉर मशरूमिंग यानी बढ़ते हुए मशरूमिंग क्राइम्स, बढ़ते अपराधों के लिए इंपेडिमेंट भी हो सकता है, बस्टर को भी बड़ी याद आ जाए, लेकिन वर्ड का जो वो टच है वो मत छोड़ देना बस। लास्ट में 300-400 वोकैब रिलेटेड टू ऐसे और डिस्कस करेंगे, साइंस की कुछ वोकैब, तो इकोनॉमी की कुछ वोकैब और सोशल की कुछ वोकैब, ताकि जाते ही वहां पर आप उस वोकैब को मेहमान बनाने जाते कि आ जाओ भाई पहले तुम आओ फिर, मगर कानूनों को समय की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, खरा उतरने का आपको पता है, होल्ड वाटर समय की कसौटी पर एट असिस्टेंट ऑफ टाइम, मैं कह रहा हूँ ना वही वोकैब होती है, उसे यूज करने का तरीका बदलना है, बट लॉज शुड उतरना चाहिए, शुड बुला लो, शुड नहीं तो मस्ट बुला लो सब चलेगा, शुड होल्ड वाटर, ऐसी लाइन जो हर ऐसे में जाएगी, होल्ड वाटर एट टच स्टोन ऑफ टाइम समय की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए कानूनों को, और ऐसे अमिट कानूनों को समय की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, अमिट कानून नया वर्ड है, इंडेलिबल लॉज अग्नि परीक्षा, ओडीएल हमारा आ चुका है, अमिट शायद दूसरी बार आ रहा है, सच इंडेलिबल लॉज, अमिट का मतलब जो मिट ना सके, सच इंडेलिबल जो मिट ना सके अमिट हो, जैसे शर्ट पर हमारे निशान, इंडेलिबल लॉज, ऐसे अमिट कानूनों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, विल हैव टू पास भी कर सकते हो, फेस भी कर सकते हो, सच इंडेलिबल लॉज विल हैव टू पास ओडीएल एक अच्छा वर्ड, अग्नि परीक्षा, ओडीएल की जगह एक अच्छा वर्ड भी लिख सकते हो, लिटमस टेस्ट, जो उसमें होता है केमिस्ट्री में, लिटमस टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, जो कोरोना के दौरान हम भी गुजरे थे, बहुत खतरनाक दौर से गुजरना, बहुत क्रिटिकल दौर से गुजरना कहलाएगा ओडीएल और लिटमस टेस्ट, सच इंडेलिबल लॉज विल हैव टू आएगा,
मजबूरी है भविष्यकाल की, विल हैव टू पास ऑडियल और लिटमस टेस्ट। ऐसे अमिट कानूनों को, अमिट है या मिट थोड़ी सा गया, ये जो आया है दोबारा थोड़ी आएगा, क्या इसको मिटा थोड़ी देंगे, अमिट हो गया है। तो सच इंडेलिबल लॉज विल हैव टू पास ओडीएल और लिटमस टेस्ट, ऐसे अमिट कानूनों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कोई भी कानून समाज और देश के लिए ना तो दिखावा होता है ना भ्रम। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। जैसे हमारा चाइल्ड लेबर आया, दिखावा और भ्रम है, कुछ होता जाता है नहीं। डाउरी एक्ट आया, दिखावा और भ्रम है, होता जाता कुछ नहीं, उल्टा डे बाय डे डाउरी बढ़ रही है। मगर टाडा हो गया, पोटा हो गया, मकोका हो गया, आपका आम सेक्ट हो गया, इनमें कार्रवाई बड़ी खतरनाक होती है। ड्रग्स वाला हो गया, इनमें आ गया फंदे में, तो आ ही गया, फिर वो बच नहीं सकता है। तो वो होते कानून। तो देखिए, कोई भी कानून आराम से, एनी लॉ इज, नाइदर नोर का यूज करेंगे, ना तो वो दिखावा होता है ना ही भ्रम, नाइदर मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट टाइम आ रहा है वर्ड, थोड़ा सा इसका वेलकम करते हैं, नाइदर मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब है दिखावा, नाउन के रूप में काम करेगा, इसके वर्ब चाहिए तो मैनिफेस्ट कर लेना। एनी लॉ नाइदर इज नाइदर मैनिफेस्टेशन, दूसरा क्या कह रहा है, भ्रम भी नहीं भाई साहब, भ्रम नहीं है कि कानून आया और चला गया, नॉर इल्यूजन, नॉर इल्यूजन, ना तो वो दिखावा है ना ही वो भ्रम है, काहे के लिए, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए, ऐसा नहीं है कानून काम ही नहीं करेगा, कोई भ्रम है, ऐसा नहीं है दिखावा। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, बहुत अच्छी लाइन है। एनी लॉ इज नाइदर मैनिफेस्टेशन, ना तो कोई वो भ्रम है ना ही कोई दिखावा है समाज के लिए। आगे चलिए, किसी भी देश की निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके का दर्पण होती है, वो यदि इम्बायस नहीं होगी। इम्बायस कुछ भी अच्छा वर्ड लगा देना, इम्बायस जुडिशियल सिस्टम, इम्बायस जुडिशियल सिस्टम क्या होती है, आराम से दिमाग में लाओ, इज मिरर, एक दर्पण होती है, आईना होती है। यदि साहब भारत का कानून तो बहुत अच्छा है, टूरिस्ट भी आएगा तो सोचेगा अब तो लिंच लो नहीं होगा, लिंच लो होगा तो जो है आजीवन कारावास हो जाएगा, आराम से आएगा, वो सोचेगा मोनर किलिंग भी नहीं होगी, कानून मर गया, चेरिस भी नहीं होगी क्योंकि कानून मर गया अच्छे वाला, तो वहीं पर आ गया। इम्बायस जुडिशियल सिस्टम इज मिरर, एक दर्पण होती है, मिरर होती है, जुडिशियल सिस्टम इज मिरर फॉर लीप्स एंड बाउ प्रोग्रेस, फॉर लीप्स एंड बाउंड्स, बार बार आ रहा है बाउंड्स, प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, लास्ट में भी लगा दो तो चलेगा, किसी भी देश की, ऑफ एनी कंट्री। क्या कह रहा है देखिए आप, इम्बायस जुडिशियल सिस्टम, निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली दर्पण होती है, आईना होती है, किसी भी देश की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के लिए। लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस का मतलब है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। नेक्स्ट, भारत की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के नए कानून लागू किए गए हैं। सेंटेंस को पढ़ो, भारत की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कानून लागू हुए हैं या किए गए हैं। बनाओ अशोक सेंटेंस, बनाओ, कैसे बनेगा सेंटेंस को, पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा। किसने लागू किए हैं, नहीं है पता, नहीं है पता ना सही, हमें क्या पता पड़ रहा है, उठाओ पहले नए कानून को। न्यू लॉज भी हो सकता है, नेसेंट लॉज भी हो सकता है, नेसेंट लॉज हैव बीन, नए कानून, नेसेंट लॉज हैव बीन, क्या हुए हैं, किसने की ये नहीं पता हमें, हैव बीन इम्पोज्ड, लागू हुए हैं। बड़े आराम से सेंटेंस को समझो, न्यू या नेसेंट लॉज हैव बीन इम्पोज्ड, नए कानून लागू हुए हैं, न्यू या नेसेंट लॉज हैव बीन इम्पोज्ड, नए कानून लागू हुए हैं, काहे के लिए, उसकी वजह लेकर आओ। आप कह रहे हो भारतीय की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो करो मजबूत, 245, बड़े आराम से वर्ब लेकर आओ, 245, क्या करोगे 45, आपको पता है, मजबूत करोगे लॉ सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का कानूनी व्यवस्था, लॉ
सिस्टम, लॉ सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कानून लागू हुए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, उसी के वे में जा रहे हैं। नहीं, आप सेंटेंस जो वो डॉटिंग नहीं कर जाए कहीं पे, उस वक्त टाइम नहीं रहेगा ना, तो पहले दिमाग में क्रिएट करोगे डॉटर नहीं कर जाए कहीं पर, ना डॉटिंग से बचना कि वो लड़ खड़ा जाए तो फिर हम चुक हो जाएंगे। पहले दिमाग में तैयार कर लेना कि आगे जाकर ये अपना रास्ता खुद बना ले, उस वे में आओगे तो डॉटर कर जाएगा। यहाँ तो कर सकते हो, वहां नहीं, वहां टाइम एक सेकंड का नहीं है, एक सेकंड का टाइम है। तो सेंटेंस पहले दिमाग में फ्रेम कर लेना, फिर कॉपी पे उतारने, वो डॉटर कर गया ना तो फिर वो चुक हो जाएंगे, अब कैसे लेके जाऊं। एक मिनट खराब यानी 10 बार आपने कह लिया, 10 मिनट खराब यानी हमारा एक पैरा छूटेगा। वहां पेन, मैं आपको कह रहा हूँ एक ट्रिक बता देता हूँ कि वहां पेन नहीं रुकना चाहिए, चाहे आप इधर से निकलो, चाहे उधर से निकलो, चाहे उधर से, खटाखट तब जाके आपका तीसरा ऐसे की आखिरी लाइन कंप्लीट होगी। देखना आप, काफी लोगों को होती है सर एक ऐसे छूट गया, छूटेगा क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की। आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी स्पीड तो बढ़ रही है ना। तो आपने कहा नेसेंट या न्यू लॉज हैव बीन इम्पोज्ड टू फोर्टिफाई लॉ सिस्टम सिस्टम ऑफ इंडिया विच विल प्रूव माइलस्टोन। देखो अब फिर पढ़ो वाक्य को, खुद जोड़ो, विच विल प्रूव। ये तो थोड़ा टाइम कम रह गया, थोड़ा टाइम अच्छा हाथ में होता ना, बहुत गजब का गेम खेलते अपन। विच विल प्रूव, मैं 40 से 50 का चैलेंज ले जाता, थोड़ा टाइम अच्छा हाथ में होता तो, लेकिन ठीक है, नुकसान अभी भी नहीं होने दूंगा मैं। विच विल प्रूव, जो सिद्ध होगा, क्योंकि क्या मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसमें जितना लिखेंगे ना उतना पारंगत, इसका कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। तो इसे किताब खरीद लाएंगे, माइलस्टोन। अब आप लिख रहे हो तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। अब ये कॉन्फिडेंस, 5 ऐसे हमने हाथ से लिख लिए, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, कल ये 10 होते ही देखना ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस क्या आएगा। और एग्जाम में सर 20-25 ऐसे लिख लिए, वो भी टॉपिक पर, वो भी शानदार तरीके से, तो 50% तो कॉन्फिडेंस ही काम नहीं बांटेगा। नॉलेज को तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। जेब में पैसे हो तो मर्सिडीज के शोरूम में घुसने में क्या टाइम लगता है, नहीं है तो डर लगता है। 5 स्टार में बिल ज्यादा आ गया तो, बिल ज्यादा आ गया तो सिर्फ डर लगता है, गर्लफ्रेंड साथ में, बिल आ गया 5,000 का जेब में, 1,200 रुपए पैसे, सोच सोच के कॉफी और वो बगा ले पोया। वही बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस ज्ञान का हो चाहे पैसे का हो, सीधी सी बात है, बात मजाक की नहीं। बात आते हैं वापस, विच विल प्रूव क्या, माइलस्टोन काय के लिए, काय के लिए, जड़ सहित उखाड़ने के लिए, टू वाइप आउट, टू वाइप आउट, जड़ सहित उखाड़ने के लिए, टू वाइप आउट, आराम से वाइट आउट फ्रेजल वर्ब है, वो माइलस्टोन साबित होगा, जड़ सहित उखाड़ने के लिए, वाइप आउट करने के लिए। क्या वाइप आउट करने के लिए, सॉरी क्राइम्स, बढ़ते अपराध, सॉरी क्राइम्स, बढ़ते अपराध, बहुत अच्छे से। न्यू लॉज हैव बीन इम्पोज, नए कानून लागू हैं, टू फोर्टिफाई, मजबूत करने के लिए, लॉ सिस्टम, कानून व्यवस्था ऑफ इंडिया, विच विल प्रूव माइलस्टोन, जो मील का पत्थर साबित होंगे, टू वाइप आउट, जड़ सहित उखाड़ने के लिए, सॉरी क्राइम्स, बढ़ते अपराध, सॉरी क्राइम, बढ़ते अपराध। और कोई भी कमजोर कानून, ये बहुत अच्छी लाइन, कोई भी कमजोर कानून देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है, कोई भी कमजोर कानून, एनी वीक लॉ, एनी वीक या दूसरा वर्ड कर लो फीबल, ये भी बहुत काम में आता है, फीबल लॉ कर सकता है, कैन खोखला करो अंदर ही अंदर, अंडरमाइन, इसको अंडरमाइन कर रहे हो, ये वर्ड हर जगह चलेगा, आतंकवाद में, करप्शन में, भ्रूण हत्या में, हर जगह चलेगा, अंडरमाइन द कंट्री, अंडरमाइन द कंट्री, अंदर ही अंदर कुछ नहीं लगाना, ये लगाना है, अंदर ही अंदर खोखला करना, किसकी तरह, जैसे दीमा के पूरे पेड़ को खत्म कर देती है, उसी तरह अकिन टू टर्माइट, टर्माइट कहते हैं दीमक को, अकिन टू टर्माइट, दीमक की तरह ये खोखला कर देती है, अंडर टर्माइट। छटाए से आपका शुरू हो गया, मतलब ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है कि हम कर क्या रहे हैं वो देखिए आप, छटाए ऐसे आपका कंप्लीट हो गया। आज से पहले आपने इतना मैटर आज तक नहीं लिखा, पूरी लाइफ में जितना मैटर नहीं लिखा उतना मैटर आपने, ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे जैसे, ऐसे बढ़ेंगे आपके, और ऐसे भी वो शानदार जिनके आने की संभावना 99%, 1% तो मैं नहीं लेता गारंटी,
पर अपना कोई भी टॉपिक वर्थलेस नहीं है। स्वच्छता पे नहीं लिख रहे मैंने अनअकैडमी की तरह, स्वच्छता पर आज इसमें ऐसे पूछेगा, वो भी अनअकैडमी जैसी यार एक टॉप नॉच हब, कोई नॉर्मल तो मानने में चलेगा का आप पूरे आरजेएस उसमें नेट पे सर्च मारो आरजेएस ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आप वो जरूर बता देगा ये लिखेंगे इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा, तो लिख के बता दो ना ये आएगा क्या आएगा वो बता दो ना। आप सीधी सी कहानी है पूरे आप नेट पे सर्च कर लो, इतना बड़ा नेट है उसमें आरजेएस ऐसे लिखना आप कहीं पर कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं है। क्यों डर लगता है कि क्या लिखें, हिंदी वाले को हिंदी से डर लगता है अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी, लिख के बता दो ना अपने आप पता चल जाएगा। बस वो किताबों की प्रिंटेड पकड़ाते थे जो आज आप लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा था वाइप आउट क्यों आया माइलस्टोन क्या है, बस वो लिखते लिखते आपका हाथ कोई चमत्कार नहीं, मैं आपको बता दूं लिखते लिखते अपने आप क्लियर होती है। इंग्लिश तो एक ऐसी चीज है जैसे हमारी मदर ने अपन को मदर टंग सिखाई थी, सेम वही प्रोसेस है, और कोई इसका प्रोसेस नहीं है। मदर कोई व्याकरण नहीं लाई थी, कोई ग्रामर नहीं लाई थी, वो अभी सिखाती गई और हम सीखकर आज सीख गए उस 1.5 साल की एज में जो भी हमारी मदर टंग है, और मदर टंग आज तक हमारी टंग पर है, मरते दम तक रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो देखिए आप एसेंट लॉज हैव बीन इम्पोज्ड, नए कानून लागू हुए हैं, क्यों 245 मजबूत करने के लिए, क्या मजबूत करने के लिए, लॉ सिस्टम ऑफ इंडिया कानून की व्यवस्था विच विल प्रूव माइलस्टोन, जो माइलस्टोन साबित होगी टू वाइप आउट जड़ सहित उखाड़ने के लिए सॉरी क्राइम्स बढ़ते अपराध, एनी वीक और फीबल लॉ कैन अंडरमाइन अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है द कंट्री अकिन टू टर्माइट। क्लियर आज का पेपर एकदम एक बार बस रिपीटेशन कर लेना, अब आगे के ऐसे आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि 5 ऐसे का रोटेशन कर लेना और जो मैंने आपको आज दिया था उसको लिखकर भेजना अशोक सब ग्रह।